दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, जय मां पंचांगुली। दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे शुक्र वेले के बारे में कि शुक्र वेले का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे को समझने की आवश्यकता है कि शुक्र वेले हमारे हाथ में होता कहाँ है, ये चीज हमें समझनी होगी, उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मेन चीज ये मान के चलिए, वैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि शुक्र वेले जो है वो हाथ के अंदर तर्जनी उंगली के नीचे से शुरू होकर के, यानी तर्जनी उंगली के साइड से शुरू होकर के, और जो सूर्य पर्वत को घेरता हुआ और छोटी उंगली के पास में जाकर के समाप्त हो, ऐसी रेखा को शुक्र वलय कहते हैं। बाकी मैं आपको एक फोटो से समझाऊंगा, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तर्जनी उंगली है, कोई रेखा इसको घेरती हुई और यहां तक चली गई तो उसको हम शुक्र वलय कहेंगे। एक चीज तो इसी समझ लीजिए। अब बात आती है कि शुक्र वलय का महत्व क्या है, शुक्र वलय का मतलब क्या है। दोस्तों हाथ में अगर शुक्र वलय है तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि जातक के जीवन के अंदर संघर्ष ही संघर्ष है, हर कदम पे इंसान को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। एक चीज मुख्य बात। अब इसके अलावा और भी बहुत सी जो चीजें हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। मान के चलिए कि ये शुक्र वलय है और शुक्र वलय से कोई रेखा निकल करके, यहां से कोई रेखा निकल करके और यहां इस विवाह रेखा को काट गई है, तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है वो दुख भरा होगा, संघर्ष भरा होगा। पहले बात तो शुक्र वलय जिन लोगों के हाथ में होता है उन लोगों की शादी जनरली होती नहीं है, और अगर होती है तो उनका वैवाहिक जीवन दुख भरा होता है, परेशानियों भरा होता है, ये मान करके चलना चाहिए। यानी हमारे वैवाहिक जीवन को देखने के लिए भी शुक्र वलय का बहुत बड़ा महत्व होता है। शुक्र वलय अगर डबल है, मान के चलो कि ये जैसे शुक्र वलय है और ये यहां पर मोटा है, डबल है, बड़ा है, ऐसा कुछ है, यदि ऐसी स्थिति के अंदर है तो आप ये मान के चलिए कि जातक जो है वो बहुत ज्यादा कामुक है, बहुत ज्यादा उसको क्या कह सकते हैं कि यौन सुख की जरूरत है, ऐसा आप मान करके चल सकते हैं। तो ये शुक्र वलय है। शुक्र वलय में और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आगे मैं बताता रहूंगा, छोटा वीडियो ज्यादा अच्छा होता है। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा और अपने कमेंट्स जो है मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।